हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था, हम लोग रिटर्न एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हमारे दो फ्रेंड मिले हैं जो कि फिजिकल और ट्रेड टेस्ट के दिन क्वालिफाई हुए थे। तो एक भाई हमारा, ये भाई नाम क्या आपका? कुंदन कुमार नाम है इनका। मेरी पहली वाली वीडियो में इनको आपने देखा होगा, जो कि हम लोगों ने रात में ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया था। और एक दूसरे भाई भी हमारे जो यहाँ बैठे हुए हैं। भाई नाम क्या है? मोहित कुमार नाम है भाई। तो इन दोनों भाइयों को तो आपने देख लिया होगा, और अभी फाइनली हम लोग अपना रिटर्न एग्जाम देने जा रहे हैं। तो भाई, रिटर्न एग्जाम की कैसी तैयारी है आपकी, ये बताओ। तो जहाँ तक तो रिटर्न एग्जाम की बात है तो जहाँ तक ठीक ही है, लेकिन मेहनत करना है, उसमें कोशिश करना है कि हो जाए। तो देखो भाई, बात है ये कि समय बहुत कम मिला है, ठीक है? समय बहुत कम मिला है, रिवीजन बहुत कम हुआ है। और पेपर में क्या आएगा नहीं आएगा वो आप लोग को रिव्यू मिल जाएगा। कल 17 तारीख हम लोग की लगभग जो एग्ज़ाम है वो 2:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो 3-4 बजे के वक्त में मैं एक वीडियो बनाऊँगा और कैंडिडेट्स का वहाँ पर इंटरव्यू करवाऊँगा कि रिटर्न एग्ज़ाम किस प्रकार से हुआ है। फ्रेंड्स, एक बार ट्रेन भी दिखाता हूँ। ट्रेन में बच्चे बहुत कम है। जब फिजिकल देने आए थे तो पूरा भरा हुआ था, आप देख सकते हो। ट्रेन पूरा खाली है क्योंकि बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं यहाँ से। और फिजिकल अभी चल रहा है, अभी बिहार का फिजिकल ख़त्म हो चुका है, अदर स्टेट वालों का फिजिकल चल रहा है। तो रिटर्न एग्ज़ाम में तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सिलेबस के बारे में बात करें दोस्तों, सिलेबस के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है चैनल पर, आप लोग जा कर के देख सकते हो वहाँ पर। और रेडियो मैकेनिक वालों का पेपर हो चुका है, उन्होंने पेपर के बारे में बताया था कि पेपर नॉर्मल आ रहा है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। तो पेपर में अगर ध्यान देना तो जीके जीएस और आपको मैथ्स में, वो दोनों आपके बहुत ही मेन टॉपिक हैं उसमें। और बाकी तो दोस्तों आप लोग को कल का रिव्यू मिल जाएगा। बाकी अभी ज़्यादा लड़के नहीं दिख रहे हैं मुझे इस ट्रेन में, क्योंकि भीड़ बहुत कम है। फिजिकल के टाइम में तो बहुत लड़के थे, लेकिन अभी इस बार हम तीन भाई जा रहे हैं बस, आप देख सकते हो, और कोई नहीं है यहाँ पर। और पूरी सीट खाली है। और काफ़ी सारे लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर, कि हम लोग मतलब टिकट ले या नहीं ले। भाई, टिकट लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीट खाली है, आपको जहाँ सीट मिले आप बैठ सकते हो और इजीली अपने सेंटर तक जा सकते हो, ठीक है? तो दोस्तों हम लोग वही तकरीबन 3 बजे दीमापुर सेंटर पे पहुँच जाएंगे, और आप लोगों को वहाँ से फिर मैं लाइव बताऊँगा कि कितने बच्चे पेपर देने आए हैं और क्या माहौल है पेपर का सेंटर में। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आना है अपना अपना जो भी है, क्योंकि हो सके कि दोस्तों रिज़ल्ट लगभग 1 हफ्ते में मिलेगा। रिज़ल्ट हैंड टू हैंड तो मिलने की कोशिश में रहेंगे सब, ये हैंड टू हैंड मिल जाए, क्या बोला, लेकिन 1 हफ्ता मिलेगा। झगड़ा करो चाहिए मत करो भाई, हम लोग गाड़ी ले रहे हैं, देखते हैं हम लोग का। और भाई बस आप लोग के लिए बस इतनी जानकारी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो का लाइक वगैरह करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ज़्यादा करो भाई, लड़के लोग बहुत मिल रहे हैं। हम लोग कामाख्या देवी भी जाएंगे दोस्तों, अगर हम लोग का रिटर्न अच्छे से जाता है तो वहाँ पर भी आप लोग को मैं वीडियो में ब्लॉग बना के सब कुछ दिखाऊँगा कैसा है, ठीक है दोस्तों? जय हिंद।